अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ, चिकन ब्रेस्ट रेसिपी। तो हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको थंबनेल पसंद आया है। तो हमने जो ये पीसेज लिए हैं, इसको पहले हम वर्टिकली लाइंस के अंदर कट करेंगे, उसके बाद हम इसको स्क्वायर में भी कट करेंगे। ये कट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका जो फिर जो बैटर और सॉसेस आ रहे होंगे इस चिकन के अंदर तक डीप हो जाएँ। उसके बाद हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसके अंदर हम अपना ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल के बाद हम इसमें एक बटर डालेंगे, 1 टेबल स्पून जितना इसके अंदर बटर डालेंगे। बटर को मेल्ट होने तक हम उसके बाद हम इसमें चिकन के पीसेस को ऐड कर देंगे। जब हमने चिकन के पीसेस को ऐड करा है तो हमें ख्याल रखना है कि दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसको ब्राउन होने के लिए हमें इसको 4 से 5 मिनट्स तक इसको फ्राई करना है। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे 3 गार्लिक, हमें 3 लहसुन के जवे लेने हैं। लहसुन के जवों को हमें इतना बारीक बारीक सा चॉप करना है, और हमें ख्याल रखना है कि हम इसको बारीक सा ही चॉप करें। लहसुन को चॉप करने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से स्मैश करना है, और फिर हमें इसको लहसुन को एक साइड पर रख देंगे। उसके बाद जो हमारे चिकन फ्राई हो रही थी उसके ऊपर हम ऐड करेंगे अपने हिसाब से नमक और काली मिर्चें। काली मिर्चें और नमक को ऐड करते हुए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने ये जो कट्स लगाए थे, इस कट्स की तह तक भी हमारा नमक और काली मिर्चें ऐड हो जाए। उसके बाद ये एक तरफ से ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इसको पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए। अब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, अब हम इसको दूसरी तरफ से भी इसके ऊपर नमक और ब्लैक पेपर को ऐड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद अब ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। जब तक ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्राउन हो, हम अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए एक प्याज लेंगे, एक हमने अनियन ले लिया है, और हम इसको बहुत बारीक बारीक सा काटेंगे। इसको बहुत बारीक बारीक सा काटने के बाद हम इसके बहुत स्क्वायर शेप में, जैसे कि हम कभी अंडों के लिए भी प्याज काटते हैं, इस तरीके से हम इसकी प्याज काटेंगे। अब ये प्याज कट रही है बिल्कुल बारीक बारीक सी। उसके बाद हमने इसको साइड पे रखना है। प्याज के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने जो चिकन है, चिकन को फ्राइंग पैन से रिमूव कर देना है। चिकन फ्राइंग पैन से निकाल ली है हमने, और अब इसके बाद चिकन अभी हमने अपनी प्लेट में सर्व कर दी है। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने फिर से 1 टेबल स्पून बटर लिया है। मक्खन हम कोई सा भी ले सकते हैं जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए। उसके बाद जो हमने लहसुन को बहुत बारीक बारीक काटा था, हमें इसको 30 सेकेंड तक फ्राई करना है, ताकि जब तक हमें इसकी बहुत अच्छी सी धीमी धीमी सी खुशबू आने लग जाए। उसके बाद हमने जो अपने प्याज काटे थे, हमने इसके अंदर अपने प्याज को ऐड कर दिया है, और हमने इसको बहुत अच्छा सा इसमें प्रेस करना ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। उसके बाद हम लेंगे हरा धनिया। हरे धनिया को हमें बहुत बारीक बारीक सा चॉप करना है, बहुत ही बारीक बारीक सा, ताकि बड़ा बड़ा ना हो तो मुँह में ना आए। बहुत हमने इसको फ्रेश हरे धनिया को बहुत बारीक बारीक सा चॉप किया। उसके बाद हम गए अपने फ्राइंग पैन की तरफ दोबारा से। फ्राइंग पैन में हमने ऐड किया है गरम सा वाटर, उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 लेमन। हाफ़ लेमन को हमने पूरा उसमें स्क्विश कर दिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना हरा धनिया जो हमने काटा था। हरे धनिया के बाद हम लेंगे एक हैवी सी क्रीम, व्हिप्ड क्रीम लेंगे। व्हिप्ड क्रीम के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच जो है नटमेग का डालेंगे। उसके बाद हम इसको 5 से नमक डालने के बाद हम इसको 3 से 5 मिनट तक हम इसको अच्छी तरीके से इसके सॉस तैयार करेंगे। अभी हमारा एक सॉस तैयार हो रहा है। जब तक हमारा ये सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा हमें फील होगा, तब तक हम इसको है ना चूल्हे के ऊपर चम्मच चलाते रहेंगे। अब इसके अंदर एक गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी आ गई है, तो अभी हमारा सॉस रेडी है। अब इसके अंदर हम अपने जो चिकन के पीसेज हैं हम उसको ऐड कर देंगे। फ्राइंग पैन में अपने अपने चिकन के पीसेज ऐड कर दिए। उसके बाद हम एक स्पून की मदद से इसी सॉस को इन चिकन्स के ऊपर डालेंगे, ताकि हमारे जो कट्स लगे हुए थे चिकन के अंदर, उसके अंदर हमारा ये सॉस बहुत अच्छा सा ऐड हो जाए, ताकि पूरे चिकन में हमारा फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा जी। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा चिकन ब्रेस्ट रेसिपी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको 5 से 10 मिनट का दम देना है। दम के बाद अब ये बिल्कुल रेडी है, आप इसे सर्व कर सकते हैं और आप इसको बहुत मज़े से खा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।